हमारी मम्मी कितना रोती होगी दिन भर। हाय फ्रेंड्स, मैंने कोई शैतानी नहीं की, ना ही मैंने किसी की डांट खाई है। मैं तो इनफैक्ट रो भी नहीं रहा हूँ, मुझे कांधे रुला रहे हैं। मुझे पाव भाजी खानी थी, मम्मी को बोला मैंने, मम्मी मम्मी पाव भाजी बनाओ ना प्लीज। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, पाव भाजी बनाती हूँ, पर तू पहले मेरे को प्याज काट के दे। मैं दौड़ते दौड़ते गया, अभी आपके सामने रोते हुए खड़ा हूँ। मम्मी तो दिन भर किचन में प्याज काटती है। हमारी मम्मी कितना रोती होगी दिन भर। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यू केमिकल्स इन द अनियंस विच कंटेन सल्फरिक एसिड विथ एन एंजाइम कॉल्ड एलियाइंसेस। जब हम कांदे काटते हैं तब ये एंजाइम एलियाइंसेस ऑल्टर्स द अमाइनो एसिड इन टू द लैक्रे मोटर। दिस फॉर्म ऑफ सल्फरिक एसिड इरिटेट्स द नर्व्स अराउंड आवर आईज। अरे प्याज, कांदा, अनियन, जो भी तुम समझो, इसलिए हमें रोना आता है दोस्तों। पूरी साइंस याद आ गई होगी ना। अभी बहुत टफ लग रहा होगा ना दोस्तों आपको। पर ये सबका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मिल गया, आपको बस प्याज को 10 मिनट फ्रीजर में रखना है, फिर आप काट के देखो, आपके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। सोल्यूशन था प्याज के लिए, बट अगर आपके पास कोई एक बेटर सोल्यूशन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको बी गेट्स के एक न्यू वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय-बाय।